भक्तों के भाग्य बदलने वाले बसामन मामा के धाम का हाल बेहाल, गहरी नींद में सोए जिम्मेदार। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। बसामन मामा रीवा जिले का एक ऐसा धार्मिक स्थल जो सिमरिया के नेताओं के साथ साथ भक्तों की मन्नतों को पूरा करने के लिए भी जाना जाता है, आज खुद सरकारी व्यवस्था का शिकार हो चुका है। कहने को तो इस दर पर माथा टेके बगैर आज तक कोई विधायक सांसद बना नहीं, लेकिन ये दुर्भाग्य ही है कि सबके भाग्य बदलने वाले बसामन मामा का पावन धाम ही कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। यहाँ हर रोज हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, विधायक जी नया मंदिर भी बनवा रहे हैं, लेकिन फिर व्यवस्था के नाम पर सब सुन बटे सन्नाटा ही नजर आता है। बीजेपी के विधायक सांसद जब यहाँ की दीवारों पर पोस्टर चस्बा करवा के पार्टी का प्रचार करना नहीं भूलते तो जाने यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था कैसे भूल जाते हैं। सच तो यही है कि विधायक सांसद ठेकेदारी में व्यस्त हैं और जनता समस्याओं में त्रस्त है। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि यह सिमरिया विधानसभा का बसामन मामा धार्मिक क्षेत्र है। लोगों की आस्थाएं इस धार्मिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म नहीं आती है कि मंदिर के जस्ट ऊपर, मंदिर की दीवार पर इन्होंने अपने प्रचार का बोर्ड लगा करके रखा हुआ है। साथियों, पूरे धार्मिक क्षेत्र में आप चारों ओर निगाह दौड़ा लीजिए, गंदगी और अव्यवस्था का आलम भरपूर आपको देखने को मिलेगा। माननीय विधायक इस क्षेत्र के और सम्माननीय पूर्व मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मंत्री जी, यदि आप में थोड़ी सी भी नैतिकता बाकी हो और थोड़ा से भी अगर आपको जनता के प्रति शर्म लिहाज या जनता के प्रति कार्य करने की आपकी में इच्छा हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि सम्माननीय कलेक्टर साहब और सामान्य एसडीएम को आपको निर्देशित कीजिए कि दो दिन के अंदर इस क्षेत्र में जो धार्मिक स्थल है यहाँ की गंदगी को हटवाएं, यहाँ की व्यवस्था को सुधार कराएं, अन्यथा आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र को लेकर के वृहद आंदोलन करेगी।